गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बना लें। सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो जिनके पास बुक है, जिन बच्चों के पास, वो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो अपनी बुक परचेज करवा लीजिए, ठीक है। और अभी आप लोगों जिसमें होमवर्क था वो नोटबुक आप लोग ओपन कर लीजिए। और दूसरी बात, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्लीज़ प्रेजेंट रहा कीजिए, जिस तरह से आप अपने स्कूल में अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करते थे, ठीक है। तो एक तो बुक परचेज़ करवाना है जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, और दूसरी बात, आप सभी को प्रेजेंट रहना है। इन दोनों बातों पे ध्यान दीजिए, ये दोनों बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। सबसे पहले तो मैं प्रीवियस क्लास का होमवर्क जो था उसको सॉल्व कर देती हूँ बोर्ड पे, और आप सभी क्या करेंगे, अपने बुक और नोटबुक से मैच करेंगे, ठीक है ना। आपका एक्सरसाइज 5.6 चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, मैं जो चार क्वेश्चन आप लोगों को दी थी बनाने के लिए उसको पहले मैं सॉल्व कर देती हूँ, आप सभी बच्चे अपनी बुक और नोटबुक से मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था, पहले कॉलम बना देती हूँ, उसके बाद वंस, टेंस, हंड्रेड। इस तरह से कॉलम बने हुए थे। क्वेश्चन था, अ कैरेट ऑफ एग्स हैज 24 एग्स। एक कैरेट मतलब एक ट्रे में 24 अंडे रखे हुए थे, ठीक है ना। मतलब जो ट्रे आता है अंडे का उसे कैरेट बोला जाता है, कैरेट एग्स, ठीक है ना। तो उसमें एक ट्रे में कितने अंडे थे, 24, मतलब 24 अंडे थे। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी एग्स देयर आर इन सच इन सेवन सच कैरेट। तो सेवन ट्रेज में, मतलब एक ट्रे का तो बता दिया कि 24 अंडे थे, ठीक है ना, 24 एग्स थे एक ट्रे में। तो सेवन ट्रे में कितने एग्स होंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन प्लेस वाला जो नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे, सेवन को फोर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। सेवन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा, सेवन फोर ज़ार 28, 28 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और 2 कैरी हो जाएगा। उसके बाद सेवन का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, मतलब सेवन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करना है। तो सेवन का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है, तो सेवन का टेबल आप 2 टाइम्स पढ़िएगा तो क्या होगा, सेवन टू ज़ार 14, ठीक है ना। 14 में आपको क्या करना है, 2 ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 14 के बाद 15, 16, तो यहाँ पे क्या होगा, 6, 1 कैरी हो जाएगा, है ना। अब इधर तो कोई नंबर नहीं है जिससे हम 7 को मल्टीप्लाई करें, तो 1, 1 ही रह जाएगा, 1 का 1 उतर जाएगा, ओके। तो टोटल मतलब 7 कैरेट्स ऑफ एग में जो थे वो कितने अंडे थे, मतलब 7 ट्रे में, इस तरह एक ट्रे में आपको 24 अंडे बताए गए, तो 7 ट्रे का आपको करना था कि 7 यानी कि 7 ट्रे में कितने अंडे होंगे, मतलब टोटल मिलाकर आपको बताना था कि कितने अंडे होंगे। तो कितने हो गए, 168 एग्स, टोटल अंडे कितने हो गए, 168, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, 168, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वंस, टेंस, हंड्रेड, है ना, इस तरह से कॉलम बनाए हुए थे। क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर अ डजन बनाना इन अ बास्केट। एक बास्केट में, एक टोकरी में 12 केले थे, ठीक है ना, एक दर्जन, ठीक है ना। इसको वन डजन मतलब 12 पीस का एक दर्जन होता है, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 12
बनानास थे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है हाउ मेनी बनानास आर देयर इन सेवन सच बास्केट। तो उसी तरह से सेवन बास्केट रखे हुए थे, तो उसमें टोटल बनानास कितने होंगे, मतलब आपको सेवन बास्केट का बनाना काउंट करके उसे लिखना है कि टोटल सेवन में कितने हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सेवन से फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो सेवन का हम टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, टू टाइम्स। सेवन वन इज सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, फोर्टीन का यहाँ पे क्या लिखाएगा, फोर एंड वन कैरी हो जाएगा। अब सेवन का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना है, तो वन टाइम ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेवन वन इज सेवन, उसके बाद वन ऐड हो जाएगा, ओके। तो सेवन और प्लस वन हो जाएगा तो एट हो जाएगा। तो टोटल कितने कितने बनानास हो जाएंगे, तो 84, ठीक है ना। इस तरह से आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है देख लीजिए। और ये बॉक्स आपका खाली रह जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे हम जब सेवन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही डिजिट में आंसर आएगा, तो यहाँ पे एट ही रह जाएगा, ठीक है ना। और कैरी वाला यहाँ पे कोई काम नहीं है, मतलब हंड्रेड प्लस का कोई काम नहीं है इसमें। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वंस टेंस हंड्रेड। ठीक है, क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर 145 स्टूडेंट इन अ क्लास। एक क्लास में 145 विद्यार्थी थे, ठीक है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन थ्री सच क्लासेस। तो तीन क्लासेस में, उसी तरह तीन क्लास बने हुए हैं अलग अलग, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना। एक क्लास का आपको बता दिया है, बाकी तीनों क्लास का आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। थ्री का टेबल फाइव टाइम पढ़िएगा, तो क्या होगा, थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन, फिफ्टीन का यहाँ पे फाइव हो जाएगा, वन कैरी हो जाएगा। उसके बाद है थ्री का टेबल आपको फोर टाइम्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो थ्री का टेबल फोर टाइम्स पढ़िएगा, तो क्या होगा, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, ट्वेल्व में वन ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थर्टीन, थर्टीन का थ्री यहाँ पे हो जाएगा, वन फिर से कैरी हो जाएगा। अब थ्री का टेबल हम वन टाइम पढ़ेंगे, थ्री वन इज थ्री, थ्री हो गया, उसमें प्लस वन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फोर। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 435 स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर फोर, जो सभी बच्चों को, मतलब बुक वाले बच्चे को भी नोटबुक में ही बनाना था, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब है होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन, जो आपको कल दिया गया था, वंस टेंस हंड्रेड। ठीक है, इस तरह से कॉलम बना लेना है। अ वॉल इज मेड आउट ऑफ 246 ब्रिक्स। एक दीवार है जो 246 ईंटों से बनी हुई है, ठीक है ना। ब्रिक्स मतलब एक तरफ का दीवार जो है, आपको चार तरफ का दीवार, जैसे कि एक रूम है, तो बताया जा रहा है कि एक वॉल, एक दीवार जो है वो 246 ब्रिक्स लगा है उसको बनाने में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स आर नीडेड टू मेक फोर सच वॉल्स। तो इसी तरह चार दीवार खड़ी की जाएगी, तो उसमें टोटल कितने ब्रिक्स, कितने ईंटे लगेंगे। तो आपको क्या करना है, फोर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब फोर का टेबल क्या करना है, सिक्स टाइम पढ़ना है। तो सिक्स टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा, फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर का यहाँ पे फोर आएगा, उसके बाद टू कैरी हो जाएगा। अब फोर का टेबल फोर टाइम्स पढ़ना है, फोर फोर ज़ार क्या होगा, सिक्सटीन, सिक्सटीन में आपको टू ऐड कर देना है, तो सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, एटीन का यहाँ पे एट आ जाएगा, वन फिर से कैरी हो जाएगा। फोर का टेबल टू टाइम पढ़ना है, फोर वन इज़ फोर, फोर टू ज़ार एट, एट में आपको प्लस वन कर देना है, तो क्या हो जाएगा, नाइन। तो टोटल ब्रिक्स कितने हो गए, 984 ब्रिक्स। तो ये आपका कल का होमवर्क था, जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है। आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन रखिएगा, जो आज का होमवर्क होगा
उसे नोट कर लीजिए। इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ। बुक वाले बच्चे भी अपनी नोटबुक ही ओपन रखेंगे क्योंकि उसी में क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा बनाने के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले तो कॉलम इस तरह से बना लीजिए साइड में ताकि आप लोगों का क्वेश्चन आसानी से अट सके। वंस, टेंस, हंड्रेड। है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है। अ नोटबुक, NOTE नोट बुक कॉस्ट, COSTS कॉस्ट 125 रुपीज, 125। हाउ मेनी, HOW हाउ मेनी, सॉरी हाउ मच, मेनी नहीं होगा, हाउ मच होगा, MUCH, हाउ मच विल, WILL विल 5 नोट, NOTE नोट बुक्स कॉस्ट, COST कॉस्ट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अ नोटबुक कॉस्ट रुपीज 125। ठीक है ना, एक कॉपी का दाम है 125, मतलब 125 एक कॉपी का दाम है। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है हाउ मच विल 5 नोटबुक्स कॉस्ट। तो 5 नोटबुक मतलब 5 कॉपियों की कीमत क्या होगी। एक कॉपी की कीमत आपको बता दिया है कि 125 है। तो आपको क्या करना है, 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगा कि 5 नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है ना, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 वंस, टेंस, हंड्रेड। क्वेश्चन नंबर 6 है मोहित, MOHIT मोहित, पर परचेज्ड, PURCHAED 3 शूज, SHOES शूज एट अ PRIC प्राइस ऑफ पीस 260 पर शूज। हाउ मच मच डिड ही SPEND स्पेंड इन ऑल। ठीक है, क्वेश्चन है आपका मोहित परचेज 3 शूज एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 263 पर शूज। मोहित ने शूज खरीदे, ठीक है, जूते खरीदे, ठीक है, 3 जोड़े जूते खरीदे और हर एक यानी कि हर एक जोड़े का दाम कितना है 263, मतलब एक जोड़े जूते का दाम 263 है। तो उसी तरह 3 पेयर में खरीदा, मतलब 3 जोड़े जूते खरीदे तो उसको कितना रुपया लगा होगा, कितने पैसे लगे होंगे ख़रीदने के लिए। तो आपको क्या करना है, 263 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो ये पहले
ये वाला नंबर लिखिएगा 263, उसके बाद 3, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना, तो इसे मैं इरेज कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ बस BUS बस कैन CARRY कैरी 85 पैसेंजर PASSENGERS पैसेंजर्स हाउ मैनी HOW हाउ MANY मैनी पैसेंजर्स PASSENGERS पैसेंजर्स कैन बी CRRIED कैरिड बाय सेवन SUCSH बसेस BUSES बसेस। क्वेश्चन कह रहा है अ बस कैन कैरी 85 पैसेंजर, एक बस में 85 मतलब 85 लोग, 85 यात्री यात्रा कर सकते हैं, ठीक है ना, उस बस में बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन बी कैरिड बाई 7 सच बसेस, तो इसी तरह से 7 बस में कितने लोग बैठ सकते हैं, ठीक है ना। एक बस का आपको बता दिया कि एक बस में 85 लोग बैठे हुए हैं, मतलब पीपल पैसेंजर जो होते हैं, जो यात्रा करते हैं, वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसी तरह 7 बस है, तो 7 बस में कितने लोग बैठेंगे, तो 85 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, There are 365 days in a year. How many days? HOW how? MANY many days are there in 2 years, ठीक है। क्वेश्चन है देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, एक साल में 365 दिन होता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 years, तो 2 साल में कितने दिन होंगे, तो आपको क्या करना है 365 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले ये नंबर लिखिएगा, उसके बाद 2 लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर फोर corners in a square SQUARE square, how many corners does 109 squares have, ठीक है। क्वेश्चन है देयर आर 4 कॉर्नर्स इन ए स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स क्या होता है, चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज में कितने कॉर्नर होते हैं, जो जैसे कि आपको कैरम बोर्ड, लूडो बोर्ड जैसे देखे है ना, तो उसको स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है ना। जो स्क्वायर चारों तरफ का जो क्या बोलते हैं आपको, बराबर होता है लाइन, ठीक है ना, तो वो स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर में 4 कोने होते हैं, पता है ना आप लोगों को,
तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक यानी कि वन स्क्वायर में आपको फोर कॉर्नर्स होते हैं, तो 109 स्क्वायर्स में कितने कॉर्नर्स होंगे? तो आप पहले ये नंबर लिखिएगा, उसके बाद फोर लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 109 पहले लिखिएगा, फोर नीचे लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देयर आर टी एच ई आर ई देयर ए आर ई आर 7 डेज इन अ वीक, हाउ मेनी मेनी डेज आर देयर इन 122 वीक्स? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये तो पता है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी डेज आर देयर इन 122 वीक्स, तो 122 सप्ताह में कितने दिन होंगे? तो आपको क्या लिखना है, पहले 122 लिख दीजिएगा, उसके बाद 7 लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जो आंसर होगा उतने दिन हो जाएंगे आपको 122 वीक्स में। ठीक है, तो आपका ये वो होमवर्क कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, आपका होमवर्क भी कंप्लीट है। ठीक है, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ही नोट करेंगे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, और इसे सॉल्व कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में जैसे मैं मैच करवाती हूँ बोर्ड पे सॉल्व करके, उस तरह से मैं मैच करवा दूँगी। आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, और अपने क्लास को एंड करती हूँ। और एंड करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है, तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, एट होम के लिए, ठीक है ना, बी नाइस टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर। आप अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, चाहे वो आपसे बड़े भाई बहन हो या आपसे छोटे भाई बहन हो, ठीक है ना, सभी के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और फॉलो कीजिएगा, बी नाइस टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।